लैला खान मर्डर मिस्ट्री में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं और जो आरोपी है परवेज टाक, उसने आज कोर्ट में मुंबई पुलिस की हिरासत में उसे भेज दिया गया है। परवेज टाक लगातार नए खुलासे कर रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम लैला खान के फार्म हाउस पर पहुंची है। मुंबई से 126 किलोमीटर की दूरी पर इगतपुरी इलाके में लैला खान का फार्म हाउस, और उसी फार्म हाउस की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जहां मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। परवेज टाक ने बताया है कि लैला और उसके परिवार के बाकी लोगों की हत्या उसने इसी फार्म हाउस में की थी और यही वजह है कि पुलिस की टीम इस फार्म हाउस पर पहुंची है। आगे की छानबीन के लिए हमारे संवाददाता उमेश कुमावत भी इसी फार्म हाउस पर पहुंचे। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि यहां पहुंचकर उमेश ने क्या कुछ देखा। परवेज पहले भी ये बयान दे चुका है कि उनको शूट किया गया था, लेकिन अब उसने अपना बयान बदलकर ये कहा है कि इन लोगों की हत्या उसने एक रॉड से की थी। और एक जो फार्म हाउस है एकदम सुनसान इलाके में है। आसपास देखिए कि इस वक्त बारिश का सीजन है, इसलिए यहाँ पर आपको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा। एक सुनसान जंगलों में फार्म हाउस है और यहाँ पर अगर दिन में भी कोई आता है तो पता नहीं चलता। ऐसे सुनसान जगह पर इस फार्म हाउस में परवेज टाक ने कहा है कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया था और उसके साथ एक और शख्स था शाकिर, जो एक वॉचमैन था, उसने खुद उसको यहां पर रखा था। उसके सहायता से उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया और उसके बाद दो गाड़ियां लेकर ये लोग जम्मू चले गए। खास बात है कि परवेज टाक को अब मुंबई लाया गया है और मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में वो 19 तारीख तक रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत। उमेश, लगातार पुलिस की छानबीन अब भी जारी है, वही मौजूद है पुलिस की टीम लैला खान के फार्म हाउस पर? जी हाँ, यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ आई हुई है। इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन यहाँ का जो है इगतपुरी की पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जब से परवेज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद परवेज ने जम्मू कश्मीर पुलिस को भी जो बयान दिया था, उसके बाद मुंबई पुलिस के पास वो मौजूद है, तो इसीलिए मुंबई पुलिस की टीम आज सुबह से ही यहाँ पर उसके फार्म हाउस और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर सर्च कर रही है। पुलिस इस लैला के फार्म हाउस में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले जब हम पहले आए थे तब ये पूरा खुला था, लेकिन अब पुलिस ने पूरी तरह से इसको कब्जे में ले लिया है, क्राइम ब्रांच की टीम ने कब्जे में ले लिया है और इसके अंदर एक सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। क्योंकि परवेज ने ये खुलासा किया था कि यहीं पर लैला का कत्ल किया गया, उसकी माँ का पहले रॉड से कत्ल किया और इस वाकये को लैला ने देखा था इसलिए उसका भी कत्ल किया और सबूत मिटाने के लिए बाकी जो परिवार वाले थे उनका कत्ल किया और आसपास के इलाके में दफना दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और आज दोपहर के बाद से एक सर्च ऑपरेशन जो है वो लैला का फार्म हाउस और आसपास के इलाके में चल रहा है। शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो लैला मर्डर केस का आरोपी परवेज टाक, जिसके खुलासे के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है इगतपुरी, मुंबई से 126 किलोमीटर दूर लैला खान के फार्म हाउस पर, जहां अब पुलिस लगातार तलाश कर रही है, छानबीन घने जंगलों में जारी है। एबीपी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं उसी फार्म हाउस की। और आपको ये भी बता दें कि परवेज टाक लगातार खुलासे करता जा रहा है इस पूरे मामले में, लेकिन लगातार परवेज टाक द्वारा बयान भी बदले जा रहे हैं। पुलिस उसके बयान पर संभल कर भरोसा कर रही है। पहली बार परवेज टाक ने बताया था कि लैला दुबई में है, इसके बाद वो लगातार बयान बदलता रहा। अब खबर ये है कि उसने खुलासा किया है कि लैला की हत्या उसने इसीलिए की क्योंकि लैला खान ने अपनी माँ सलीना की हत्या करते हुए परवेज टाक को देख लिया था। मर्डर देख लेने पर कर दी लैला खान की हत्या। अभिनेत्री लैला खान की हत्या के केस में उनके सौतेले पिता परवेज टाक ने नया बयान दिया है। टाक ने पुलिस से कहा है कि उसने लैला खान और उसके परिवार की पीट पीट कर हत्या कर दी। मुंबई पुलिस जम्मू से परवेज को उसके दावों की जांच के लिए मुंबई लेकर आ गई है। इस बीच जम्मू पुलिस को दिए अपने बयान में परवेज ने कहा है कि उसने लैला का कत्ल इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी मां सलीना की हत्या की चश्मदीद थी। पुलिस को दिए बयान में परवेज ने बताया कि उसने आपसी झगड़े की वजह से गुस्से में आकर अपनी पत्नी और लैला खान की माँ सलीना पटेल की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी थी। मुंबई से 126 किलोमीटर दूर इगतपुरी फार्म हाउस में ही परवेज ने लैला और उसके परिवार की हत्या की। पुलिस को दिए बयान में परवेज ने कहा है कि उसने चौकीदार शाकिर को भी अपने साथ ले लिया और दोनों ने मिलकर शवों को ठिकाने लगा दिया। परवेज ने पुलिस को बताया है कि उसने सलीना से 2 साल पहले शादी की थी।
परवेज ने ये भी कबूला है कि हत्या के बाद सारा पैसा और सोना लेकर दोनों वहां से जम्मू आ गए। परवेज ने इससे पहले दावा किया था कि उसने आसिफ शेख और अफगान खान नाम के दो लोगों के साथ मिलकर लैला और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। अब पुलिस लैला की हत्या से जुड़े परवेज के इन दावों की पड़ताल करने में जुटी है।